हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। देर आर फोर क्लासेस, नेमली सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है टेरिडोफाइट्स को, जिसमें ये चारों हैं सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। फर्स्ट क्लास है सिलोप्सिडा, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द प्लांट बॉडी इज रूटलेस स्पोरोफाइट दैट डिफरेंशिएट्स इनटू अ राइजोम एंड एन एरियल इरेक्ट शूट। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, रूटलेस होते हैं सारे टेरिडोफाइट्स, स्पोरोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी और डिफरेंशिएट होती है राइजोम और एक इरेक्ट शूट में। द लार्ज राइजोइड्स बोर्न ऑन द राइजोम एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। जो लार्ज राइजोइड्स होते हैं ऑन द राइजोम, वो एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ऑन द एरियल शूट्स स्पाइरली अरेंज्ड स्केल लाइक एग्जाम्पल सिलोटम और लीफ लाइक अपेंडेजेस। जो एरियल शूट्स होते हैं उन पे स्पाइरल, कुछ स्पाइरल लाइक या स्केल लाइक और कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि स्केल लाइक जो होते हैं स्पाइरली, वो तो होते हैं सिलोटम में, और लीफ लाइक जो होते हैं वो होते हैं मेसेप्टेरिस में। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, बिल्कुल इस टेरिडोफाइट्स प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। स्पोर्स आर ऑफ इक्वल साइज एंड शेप। जो स्पोर्स होते हैं वो इक्वल साइज और शेप के होते हैं, दैट इज होमोस्पोरस। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। द गैमेटोफाइट्स आर नॉन ग्रीन, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, यानी उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। एंथ्रेजॉइड्स आर स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं वो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और मल्टी फ्लैजिलेटेड, यानी बहुत सारी फ्लैजिलाज उनमें प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल हैं इस क्लास के सिलोटम, सिलोटम इसका मेन मेंबर है, उसी की वजह से इस क्लास का नाम सिलोप्सिडा है। तो सिलोटम, राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन। नेक्स्ट क्लास है लाइकोप्सिडा। द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिफाइनाइट रूट, स्टेम और लीव्स। इनमें स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। द लीव्स आर यूजुअली स्मॉल एंड माइक्रोफाइलस। जो लीव्स होती है वो बहुत छोटी होती है, माइक्रोफाइलस होती है। स्पोरेंजिया आर बॉर्न सिंगली ऑन एडेक्शियल सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल। स्पोंजिया स्पोरोफिल्स के अपर या एडेक्शियल सरफेस पर डेवलप होते हैं। द स्पोर्स में भी आइदर वन टाइप होमोस्पोरस और टू टाइप हेट्रोस्पोरस। अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम शेप साइज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट शेप साइज के भी हो सकते हैं। सेम शेप और साइज के लाइकोपोडियम में होते हैं और डिफरेंट शेप और साइज के सिलेजिनेला में होते हैं। द स्पोर्स डेवलप इंटू इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। स्पोर्स डेवलप होकर क्या बनाते हैं? इनडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, यानी उस गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइटे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। जैसे उसके अंदर सिलोटम था, उसी के नेम पे सिलोप्सिडा क्लास थी, इसमें लाइकोपोडियम है, उसी के नाम पे लाइकोप्सिडा क्लास का नेम रखा गया है। नेक्स्ट क्लास है थर्ड, स्फिनोप्सिडा। द स्टेम्स एंड ब्रांचेज आर ज्वाइंट विद द नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब इनमें जो स्टेम्स और ब्रांचेज है उनमें नोड्स और इंटरनोड्स भी डेवलप हो गए। द इंटरनोड्स आर विद द लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेड रिज एंड फरोज। इनके अंदर जो इंटरनोड्स होते हैं उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेड रिज और फरोज होते हैं। द लीव्स आर एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड एंड बॉर्न इन रोल्स एट द नोड्स ऑफ एरियल ब्रांचेस एंड स्टेम्स। इनकी जो लीव्स होती है वो एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होती है, रोल्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? जो नोड्स होते हैं एरियल ब्रांचेस और स्टेम्स के, वहां पे। ब्रांचेस अराइज इन रोल्स। ब्रांचेस जो भी निकलती है वो रोल्स में निकलती हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर होमोस्पोरस इंक्लूडिंग इक्विसिटम। इनके जो मोस्ट मेंबर्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, इंक्लूडिंग इक्विसिटम। इक्विसिटम भी एक मेंबर है जिसके जो स्पोर्स होते हैं वो सेम शेप और साइज के होते हैं। हाउएवर सम एक्सटिंक्ट फॉर्म्स वर हेट्रोस्पोरस। कुछ जो फॉर्म्स होती है वो कौसी होती है? हेट्रोस्पोरस, यानी अलग अलग शेप और साइज के, जिनमें एक एग्जाम्पल है कैटेमाइटस कैशियना।
द गैमेटोफाइट्स आर एक्सोस्पोरिक एंड ग्रीन, इनके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो एक्सोस्पोरिक होते हैं और ग्रीन होते हैं। एंथ्रेजोइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, वही एंथ्रेजोइड्स में बहुत सारी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है? इक्विसिटम। नेक्स्ट क्लास है टेरोप्सिडा, पी साइलेंट है इसमें, क्या नेम है? टेरोप्सिडा। द स्पोरोफाइट्स आर यूजुअली पेरेनियल इन नेचर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। इनके जो स्पोरोफाइट्स है वो यूजुअली हर सीजन में डेवलप्ड रहते हैं और डिफरेंशिएट रहते हैं रूट स्टेम और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडेड हैबिटेट, इनके सारे मोस्ट मेंबर्स मॉइस्ट और शेडेड हैबिटेट्स में डेवलप होते हैं, आइदर एपिफाइटिक और टेरेस्ट्रियल। अ फ्यू आर एक्वेटिक्स, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एपिफाइटिक होते हैं और कुछ एक्वेटिक होते हैं। द लीव्स आर लार्ज, इनकी लीव जो होती है वो मेगाफाइलस यानी लार्ज होती है। मोस्ट फर्न्स आर होमोस्पोरस बट अ फ्यू एक्वेटिक आर हेटरोस्पोरस। मोस्टली कैसे होते हैं? होमोस्पोरस, लेकिन फ्यू जो एक्वेटिक मेंबर्स होते हैं वो हेटरोस्पोरस होते हैं। एग्जाम्पल है टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस और साल्विनिया। ये हमने जो पढ़ी थी, ये चार क्लासेस पढ़ ली हमने टेरिडोफाइट्स की। नेक्स्ट हम फाइलम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स दैट आर नॉट कंटेन्ड विद इन द ओवरी और फ्रूट। जिम्नोस्पर्म ऐसे ग्रुप्स का प्लांट है जो कि जो सीड्स प्रोड्यूस करता है वो ओवरी से या फ्रूट से कवर्ड नहीं होते। द सीड्स आर ओपन टू द एयर एंड आर डायरेक्टली फर्टिलाइज बाय पॉलिनेशन। इनके जो सीड्स होते हैं वो ओपन रहते हैं एयर में और डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन हो जाता है पॉलिनेशन के थ्रू। जिम्नोस्पर्म फ्रॉम द ग्रीक, ग्रीक वर्ड है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है वो ग्रीक वर्ड जिम्नोस जिसका मीनिंग होता है नेकेड और स्पर्मा दैट मीन्स सीड, क्योंकि इनके अंदर नेकेड सीड होते हैं, ओवरी और फ्रूट से कवर्ड नहीं होते, इसीलिए इस फाइलम का नेम क्या है? जिम्नोस्पर्म। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली पेरेनियल जीरोफाइटिक एवरग्रीन एर्बोरियल और वुडी प्लांट्स होते हैं। दे ग्रो एज वुड ट्रीज, ये वुड ट्रीज के फॉर्म में ग्रो करते हैं। बुशी श्रब्स और रेयरली एज क्लाइंबर्स, एग्जाम्पल में क्या है? नेटल्स। नन ऑफ देम आर हर्ब्स और एनवल्स, इनमें से कोई भी हर्ब्स नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट्स, और एनवल्स यानी हर सीजन में डेवलप नहीं होते। एक्सटर्नल फीचर्स है आपको जिम्नोस्पर्म के। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ। जिम्नोस्पर्म तक आते आते तो जो प्लांट बॉडी है यानी सारे प्लांट्स जो रूट स्टेम और लीफ में डेवलप डिफरेंशिएट हो जाते हैं। द प्लांट पोजेसेस वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट, रूट जो होती है वो उसका टाइप है टैप रूट सिस्टम। इन सम केसेस द रूट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद एल्गी, कोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस विद और विद फंजाई। इनके अंदर इन प्लांट्स की जो इनके केसेस में रूट्स जो होती है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएशन बनाती है एल्गीज के साथ, जैसे कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस की जो कोरेलॉइड रूट होती है वो एसोसिएशन बनाती है एल्गी, साइकस प्लांट है, और फंजाई के साथ जैसे माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस, माइकोराइजा एसोसिएशन बनता है पाइनस का फंजाई के साथ। द स्टेम इज इरेक्ट एरियल सॉलिड वुडी एंड ब्रांच, इनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, एरियल होता है, सॉलिड होता है, वुडी होता है, ब्रांच होता है। अनब्रांच इज साइकेडेल्स, साइकेडेल्स इनका एक मेंबर है, अनब्रांच स्टेम होता है बट ऑलमोस्ट ट्यूबरस इन जेमिया। द लीव्स में भी माइक्रोफिलस और मेगाफिलस, दोनों टाइप्स की लीव्स हो सकती है, माइक्रोफिलस भी और मेगाफिलस भी। ये हमने जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। हमने मेन जो है वो फाइव किंगडम, फाइव जो फाइलम है उनमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने एल्गी पढ़ा था थैलोफाइटा, फिर हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, फिर हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा, फिर अब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं। ऐसे ही लास्ट हम इसके बाद एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे जो कि मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स है जो हमें हमारे अराउंड दिखाई देते हैं। तो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है इनको मेन इन फाइव फाइलम्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन। जैसे जैसे प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे इनका ही क्लासिफिकेशन किया गया है। और आजकल जो हमें मोस्टली प्लांट्स दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स, जो फ्रूट्स जिनमें इंक्लूडेड है
वो सारे भी एंजियोस्पर्म हैं, और हम जब अपने अराउंड जितने भी प्लांट्स देखते हैं वो सारे, और जो ट्रीज देखते हैं वो सारे भी किस कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं? एंजियोस्पर्म्स। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।